नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस से ये जुड़ी हुई है। सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की सीएसएफएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी और साइकोलॉजिकली कहा जाए तो ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का अध्ययन करने जा रही है। सीबीआई सुशांत की मौत के दिन से कुछ दिन पहले तक सुशांत के बर्ताव और रहन सहन दिनचर्या का अध्ययन करेगी और इसके साथ ही सीबीआई की टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट के साथ साथ सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों से सुशांत की जो बातचीत होती थी उसके जरिए उनकी मनोदशा के बारे में जानकारी हासिल करेगी। पोस्टमार्टम हुआ, विसरा रिपोर्ट की जांच हो गई, परिवार से लेकर दोस्तों से पूछताछ हुई। सुशांत को जानने वाले, पहचानने वाले सबको जांच एजेंसियों ने अपने दफ्तर में बुलाया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। इसलिए अब सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने वाली है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए ही सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग की स्टडी करेगी। सीबीआई की जो टीम थी उन्होंने पूरा डिसाइड किया कि क्यों ना इस पूरे मामले की जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो कराई जाए। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आखिर एक जो मृतक था, क्योंकि ये मरने के बाद ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है कि आखिर जो शख्स जो मरा है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, उसने क्यों ये सुसाइड किया, इसकी तमाम तफ्तीश जो है वो साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी है वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करती है। सबसे अहम बात, इससे पहले सुनंदा पुष्कर मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी, इसके बाद जो बुराड़ी के अंदर 11 आत्महत्याएं की थी जो कि सबसे चर्चित मामला रहा था पूरे देश का, उसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी। इस केस का रहस्य सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका बहुत ही खास होने वाली है। सुशांत के कमरे से लेकर उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप में बंद राज को फॉरेंसिक टीम ही खोल सकती है। इस जांच के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरह की मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। मेडिकल साइंस में इसका मतलब होता है मरने वाले के दिमाग की स्टडी करना, यानी कि मरने से पहले उसके बर्ताव में क्या क्या बदलाव आया इसे जानने और समझने की कोशिश होगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उन लोगों का होता है जो मौत से पहले भ्रम की स्थिति में रहते हैं। मामले में बार बार जादू, टोना, टोटके और डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, इसलिए भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से बहुत कुछ सामने आ सकता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में मृतक के इंटरनेट, फोन कॉल, ईमेल, चैट और मैसेज के जरिए मानसिक स्थिति की जानकारी जुटाई जा सकती है। इस ऑटोप्सी टेस्ट में मौत के कुछ दिन पहले से 14 जून तक सुशांत के व्यवहार और रहन सहन का अध्ययन सीबीआई करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्त, करीबियों और कर्मचारियों से अंतिम वक्त में सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के फैंस को अब इस बात का भरोसा धीरे धीरे हो रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई के आने से सच सामने आएगा। ये बात सच है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री जरा देरी से हुई और इस वजह से कई सारे तथ्य नष्ट हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। तीसरी बार किसी मामले में सीबीआई की सीएफएसएल की टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। दोनों मामलों में मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी और जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई तो बुराड़ी में जांच एजेंसियों के सामने कंफ्यूजन के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। आत्महत्या की गुत्थी कुछ दिनों में सुलझ गई। इसलिए सीबीआई ने अब ये जो डिसाइड किया है कि इस पूरे मामले की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जाएगी, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था इसकी तफ्तीश अब सीबीआई करेगी। तो सीएफएसएल की टीम ये पूरा जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो पूरा करेगी। क्या उसके दोस्तों से बात होती थी, क्या किस तरह की वो किताबें पढ़ता था, ये तमाम तफ्तीश जो है वो इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर होगी। आखिरी रात का सच जानने में जुटी सीबीआई को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तभी पता लगेगा जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा। अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज, चैट और सोशल मीडिया पर लिखी तमाम बातों का अध्ययन करेगी ताकि सच सामने आ सके। सीबीआई को सुशांत सिंह केस की जांच शुरू की आज 5वां दिन हो चुका है, लेकिन अब तक केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रिया और उनकी फैमिली से पूछताछ कब होगी और क्यों इसमें देरी हो रही है।
जब से सीबीआई ने मोर्चा संभाला है, रिया विलुप्त हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है रिया, वो कब सामने आएगी, सीबीआई कब उससे पूछताछ करेगी। तो इसका जवाब है जल्द। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत केस में आरोपी नंबर वन रिया चक्रवर्ती जल्द सीबीआई की जांच को ज्वाइन करने वाली है। सीबीआई की टीम ने रिया और उसके परिवार को पूछताछ का समन तो भेज दिया है, लेकिन सीबीआई ने अब तक समन रिसीव नहीं कराया है। मतलब सीबीआई पहले इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों से तसल्ली बख्श पूछताछ कर लेना चाहती है, उसके बाद ही रिया को बुलाना चाहती है ताकि रिया उसे किसी तरह गुमराह न कर सके। लेकिन सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया फिलहाल सीन से पूरी तरह गायब है। रिया जिस प्रिमरोज सोसाइटी में रहती हैं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि तकरीबन एक महीने से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है, जबकि इसी महीने में दो बार प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए जा चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती ने अब लगभग घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया है। अगर वो अपने सोसाइटी से निकलती भी हैं तो अपने पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हालांकि रिया के वकील का ये ज़रूर कहना है कि सीबीआई की जाँच में वो पूरा सहयोग करेंगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सवालों का पुलिंदा तैयार कर लिया है, बस रिया को बुलाने की देरी है, क्योंकि सुशांत पर काले जादू की हकीकत क्या है, उनके डिप्रेशन के इलाज का सच आखिर क्या है, इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही दे सकती हैं। रिया के लिए सीबीआई के सवाल तैयार हैं। सुशांत के साथ क्या रिश्ता था, क्या सुशांत से शादी करने वाली थी रिया, सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे, 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा, क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, आखिरी बार सुशांत को कब फोन किया, सुशांत के खाते से पैसे कहां गए, सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए एक रणनीति सीबीआई ने बेशक तैयार कर ली है, समन इशू कर दिया है, लेकिन समन अभी रिसीव नहीं कराया है सीबीआई ने। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिस बैंक को लेकर आरोप लगाए गए कि अकाउंट में से पैसे निकाले गए, वहां पर सीबीआई को भेजा गया। मतलब बिल्कुल साफ है सीबीआई के सूत्रों का कि रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उसे मेन आरोपी बनाया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उस जिस पर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती, उससे पूछताछ करने से पहले जो आरोप लगे हैं उन्हें पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिन सीबीआई कर लेना चाहती है, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो अस्पताल के लोग हो, चाहे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हो, या फिर ये वो 4 लोग हो जो कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। सीबीआई हर पहलू को बड़ी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पेंच सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई सुसाइड की थ्योरी में दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हमने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जांच की और जो बात सामने आई वो फाउल प्ले की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम के निदेशक ने इंडिया टीवी को बताया कि सुशांत की जांच रिपोर्ट निगेटिव है। मतलब सुशांत ना ड्रग्स लेते थे और ना ही स्लो पॉइजन जैसा कोई मामला बनता है। पर हमारे तो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं सर, इसमें कुछ जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें? सुशांत का तो बहुत ही लोग दे दिए हमने, मिला नहीं था वो दे दिए थे, कोई केमिकल वेमिकल नहीं है ना सर। जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के रैप से पता है कि 30 ml जो है 3 hours तक वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो एक्चुअली वो चेंजेस तो होते हैं सर, 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसे होता है जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में, बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या अभी लिए, हमारे सामने लिए, मिला क्यों नहीं,
तो उसके ये है ना रिस्ट्रिक्शन है। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस की ओर से किस तरह से जांच में देरी की गई। वक्त पर ना सैंपल पहुंचाया गया, ना कुछ जानकारी दी गई। सैंपल देरी से पहुंचा, पोस्टमार्टम देरी से हुआ, इसीलिए कुछ बातें शायद कभी पता नहीं चल सकेंगी। फॉरेंसिक टीम ने कहा, मुंबई पुलिस की लापरवाही जांच पर भारी है। मैं ना मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा था, 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला था सर एडवर्टाइजमेंट? नहीं नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट, ऑल द एक्सपेरिमेंट। पर बाद में रिपोर्ट दिया जाता, रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट एक मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देखे वो बिल्कुल केस खत्म कर देते, तो निगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता सर, हर चीज दोबारा देखना पड़ता। और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या दिख रहे होंगे सर अभी? सब अभी होलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक स्टेजेस होते हैं पॉइजन के, तो ऐसे ऐसे स्टेज में जाते हैं। हम पहले होलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्लिस्ट करके डिस्लिशन में कुछ होलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, उसका पहले सब चेकिंग करके, बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं, सोमिनी इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं, लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है सब। वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ कुछ हो ना हो मिलता ही मिलता है। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टेज में पहुंचे हम लोग? सब हो गया, मतलब रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं है। सुशांत को बदनाम करने की जो थ्योरी बुनी गई थी वो अब फेल है। सुशांत न ड्रग्स लेते थे, न कोई नशा करते थे। सुशांत की संदिग्ध मौत में सीबीआई ने जांच के हर एंगल और खोजबीन की हर लेंस से सारे पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत से जुड़े हर सवाल का ताला खुलने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला है, तब से इस केस से जुड़े किरदारों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक किरदार सिद्धार्थ पिठानी से इंडिया टीवी संवाददाता ने कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये है सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह का दोस्त और फ्लैटमेट, जिससे सीबीआई ने करीब 11 घंटे पूछताछ की और आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कल की पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ के ऑफिस से बाहर निकला तो इंडिया टीवी संवाददाता ने उससे कुछ सवाल करने चाहे, लेकिन सिद्धार्थ को जैसे सांप सूंघ गया और इंडिया टीवी की माइक देखते ही उसके पैर में पंख लग गए। रिया को लेके बताइए आप। रिया से सुशांत के संबंध कैसे थे? मैंने जो भी स्टेटमेंट देना था मैंने सर को, सीबीआई ऑफिसर्स को, सबको समझा दिया मैंने। नो, रिया और सुशांत का रिश्ता क्या था? नो मोर कमेंट्स प्लीज। ठीक है, आपने कोई तस्वीर ली थी क्या? ये वो सवाल उठाया जा रहा है कि आपने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी को देखा तो आपने उनकी लटकती हुई कोई तस्वीर देखी थी? आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक सवाल का जवाब, नो कमेंट्स प्लीज। आपके पास कोई तस्वीर है क्या उनकी? आपने कीमेकर को बुलाया, आपने उसको दरवाजे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? जो पूरा देश जानना चाहता है, जो सुशांत के चाहने वाले जानना चाहते हैं, उन्हीं सवाल के जवाब हम भी सिद्धार्थ से जानना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ का टका सा जवाब था, नो कमेंट। जब चार लोग आप थे, जैसे आपने दरवाजा तोड़ा, आपने चाबी वाले को क्यों मना किया था? आप, मैंने जो भी हमने करा है, मैंने सीबीआई ऑफिसर को
लेकिन आपने कोई तस्वीर दी है लटकती हुए फांसी के फंदे पर? आप जाइए। रिया से सुशांत के रिश्ते कैसे थे वो बताइए। नहीं आप जाइए। सीबीआई ने कल फिर बुलाया आपको? मैं वापस आऊंगा। सीबीआई कल सिर्फ एक ही सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल है वो कि क्या आपने उनकी सुशांत की बॉडी जब देखी थी तब आपने कोई तस्वीर वहां पर ली थी क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठाया जा रहा है कि आपने तस्वीर क्यों नहीं ली जब लटकती हुई सुशांत की डेड बॉडी की। ये सब सवाल ना आपने जो क्वेश्चन करा है, सीबीआई ने भी मुझे क्वेश्चन करा, मैंने उनको आंसर कर रहा हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ योर क्वेश्चन। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद जिस एक शख्स पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो सिद्धार्थ पिठानी ही है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक और पत्रकार की हत्या की गई है। बलिया के फेफना गांव में टीवी जर्नलिस्ट रतन सिंह की कल शाम सरेआम हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 लोग गांव में पहुंचे और रतन सिंह को घेर कर उनकी हत्या की गई। हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस हत्याकांड में गांव के प्रधान का नाम भी सामने आया है। रतन सिंह की हत्या पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि रतन सिंह का उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा चल रहा था। सोमवार को शाम फिर से दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में रतन सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। दस साल पुरानी इमारत कैसे एक झटके में जमींदोज हो गई, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 51 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। मलबे को हटाया जा रहा है। आशंका है कि मलबा हटाने के बाद हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। इमारत को बनाने वाले बिल्डर और जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही जाँच के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है। कल तक इस जगह पर एक 5 मंजिला इमारत शान से खड़ी थी, लेकिन अचानक इमारत की दरो दीवार भर भरा कर ठह गई। चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया और चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग गिरने से खलबली मची। मुंबई से 170 किलोमीटर दूर रायगढ़ के महाड में तारक गार्डन नाम की इमारत महज 10 साल पुरानी थी। इसमें 40 फ्लैट थे। बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ी और कल शाम करीब 7 बजे अचानक इमारत जमींदोज हो गई। आनन फानन में 70 लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन दर्जनों लोग ऐसे थे जो मलबे की चपेट में आ गए। हादसा होते ही स्थानीय प्रशासन ने फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। देर रात हो गई लेकिन मलबे को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज देश का कोरोना मीटर कितना भागा।